गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को मेजरमेंट टू जो सब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना है फिफ्थ सेम में, उसका लेक्चर नंबर टू ले रहे हैं सेंसर ट्रांसड्यूसर टॉपिक का। सेंसर ट्रांसड्यूसर टॉपिक का यूनिट शायद 5 या 6 है, उसका जो लेक्चर नंबर टू जिसमें आज हम आप लोग को बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। आप लोग का फर्स्ट लेक्चर में सेंसर और ट्रांसड्यूसर के बारे में मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया हूँ। इसके साथ मैं PDF भी 5-6 पेज का आप लोग को प्रोवाइड किया हूँ, तो आप लोग उसे नोट्स नोट कर सकते हो। बाकी यहाँ मैं आप लोग को डिक्टेट करता हूँ, लिखवा भी देता हूँ 2-3 लाइन, और साथ साथ नोट्स भी दे रहा हूँ। तो देखिए क्लास, आज हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो जैसा कि आप जानते हैं ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी का कन्वर्जन करता है, वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी, ठीक है, ये ट्रांसड्यूसर होता है। तो देखिए नॉर्मली हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है एक्टिव पैसिव, प्राइमरी सेकेंडरी, एनालॉग ट्रांजिस्टर, और ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। इतने आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ठीक है। एक और टाइप्स के आपको कहीं एक मिलते हैं, मगर वो इसी के अंदर आते हैं, तो देखते हैं एक एक करके, ठीक है, क्या होता है। तो सबसे पहला जो टाइप है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पैसिव एक्टिव, ठीक है, ये जो टाइप्स है, ये जो ट्रांसड्यूसर है इसके बारे में। तो सबसे पहले पैसिव क्या होता है, पैसिव ट्रांसड्यूसर, फिर देखेंगे एक्टिव ट्रांसड्यूसर, एग्जांपल भी सबका देखते चलेंगे। बाकी इसका आपको नोट्स मैं साथ में PDF अटैच कर दूंगा, आप लोग उसे नोट्स लिख सकते हैं अगर यहाँ पे दिक्कत है तो, ऐसे यहाँ पे एक बनो। चलिए, तो पैसिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं, ठीक है, जो हमारा एक तरह से बिना एक्सटर्नल सोर्स के, क्या है मतलब, जिसको जो एक तरह से बैठे रहते हैं बिना कुछ काम किए, जिसको आपको एनर्जी एक्सटर्नल सप्लाई देना होगा, वो सेल्फ जनरेट नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग बाहर से कुछ पावर देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर आर दैट ट्रांसड्यूसर इन विच पैसिव ट्रांसड्यूसर आर डेट ट्रांसड्यूसर विच आर नॉट सेल्फ जनरेटिंग और नॉट सेल्फ एक्साइटिंग ट्रांसड्यूसर, मतलब वो सेल्फ जनरेट नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे इससे पैसिव ट्रांसड्यूसर में हम लोग कौन कौन का बात करेंगे, आप लोग जब नेटवर्क पढ़े थे तो नेटवर्क में हम आपको एक्टिव पैसिव के बारे में बताए थे कि एक्टिव वो पैसिव वो होते हैं जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये जो हमारा क्या होते हैं सेल्फ एक्साइटेड नहीं कर पाते, मतलब इनको पावर मिलेगा तभी काम करेंगे, अदरवाइज वो एक पैसिव बैठे रहेंगे, ठीक है, बिना कोई एनर्जी के काम नहीं करते, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसड्यूसर में हम लोग ये कहीं 3 टाइप का देखेंगे, रजिस्टर टाइप, इंडक्टर टाइप, कैपेसिटर टाइप, ठीक है। ये जो रजिस्टर टाइप है, रजिस्टर टाइप में बहुत सारे देखेंगे, इंडक्टर टाइप में बहुत सारे देखेंगे, कैपेसिटर टाइप में बहुत सारे देखेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए इंडक्टर टाइप, रजिस्टर टाइप का एग्जांपल से लिख सकते हैं आप पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है उसमें क्या है, हम लोग क्या वोल्टेज कुछ देते हैं उसी हिसाब से क्या रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर टाइप सेकंड लिख सकते हैं थर्मिस्टर, फोटोकंडक्टिविटी, हॉट वायर मीटर, नेक्स्ट रेजिस्टेंस हाइग्रोमीटर, ठीक है, ये सब हमारे रेजिस्टेंस के टाइप हुए। उसके बाद लिखिए इंडक्टर टाइप में एलवीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट लिखिए रिलक्टेंट पिकअप,
एडी करंट गेज एग्जांपल है, एडी करंट गेज, मैग्नेटिक सर्किट गेज, मैग्नेटिक सर्किट गेज या मैग्नेटिक सर्किट ट्रांसड्यूसर, ये सारे जो होते हैं इंडक्टर टाइप के होते हैं। ठीक है, टॉपिक एग्जांपल ऑफ कैपेसिटेंस लिखिए, डायलेटिक गेज, कैपेसिटर, माइक्रोफोन और वेरिएबल कैपेसिटेंस, ये सब है। अब इसके बारे में अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर इज दैट ट्रांसड्यूसर विच मेजर्स रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस जो इंडक्टर को मेजर करे, कैपेसिटर जो कैपेसिटर को मेजर करे, मतलब क्या है, कन्वर्जन हो रहा है मगर वो किसको मेजर कर रहा है, हमारा रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, कैपेसिटेंस के रेस्पेक्ट में या इंडक्टेंस के रेस्पेक्ट में। एक्टिव ट्रांसड्यूसर के बारे में देखिए, एक्टिव ट्रांसड्यूसर आर सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर, एक्टिव ट्रांसड्यूसर आर दैट ट्रांसड्यूसर विच इज सेल्फ एक्साइटेड ट्रांसड्यूसर, सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे थर्मोकपल, फोटोवोल्टाइक, थर्मोकपल, फोटोवोल्टाइक, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, ये भी इसी का है। पीजो इलेक्ट, पहला क्या बोले थर्मोकपल, दूसरा क्या बोले पीजो इलेक्ट्रिक, ये क्या बोले थर्ड फोटोवोल्टाइक, पीजो इलेक्ट्रिक, फोटोवोल्टाइक। अगर और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो मूविंग कॉयल जनरेटर। ये सब हमारे एक्टिव हैं जो सेल्फ जनरेटेड होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड होते हैं, जिसमें पावर की जरूरत नहीं होती, ऐसे ट्रांसड्यूसर होते हैं। चलिए फिर आते हैं सेकंड टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी। लिख सकते हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एट दैट ट्रांसड्यूसर इन विच ओनली वन प्रोसेस इज देयर, वन कन्वर्जन, बट इन सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर इज दैट ट्रांसड्यूसर इन विच वन मोर देन वन कन्वर्जन इज देयर, मतलब एक से ज़्यादा एनर्जी कन्वर्जन होता है, मगर प्राइमरी में एक ही। जैसे प्राइमरी में जो फिजिकली वाले होते हैं वो सारे कैटेगरिया एक ही बार यूज हुआ, जैसे हम लोग मान लेते हैं जैसे हमारा कोई चेंज हुआ, जैसे आप हाथ से किसी चीज़ को कोई मशीन को घुमाएं तो आप क्या किए, फिजिकल एनर्जी था उससे क्या हुआ, हाथ से टच किए तो उससे क्या हुआ, घूमने लगा, मैकेनिकल एनर्जी हो गया। अब उसी मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक वोल्टेज करेंट के फॉर्म में मेजर कर लिए, तो यहाँ तक अगर बात करेंगे फिजिकल से मैकेनिकल, एक एनर्जी का बात करें, एक कन्वर्जन का बात करें, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी, और दो फंक्शन हो गया या तीन फंक्शन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, थर्ड आता है एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। एनालॉग ट्रांसड्यूसर इज दैट ट्रांसड्यूसर इन विच आउटपुट मस्ट बी एनालॉग, कंटिन्यूअस को मेजर करता है। डिजिटल में क्या होगा, डिजिटल ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो क्या करता है, डिजिटल मेजरमेंट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एनालॉग ट्रांसड्यूसर का, एनालॉग ट्रांसड्यूसर का एग्जाम्पल, एनालॉग का स्ट्रेन गेज, एलवीडीटी, थर्मिस्टर, थर्मोकपल। और डिजिटल का एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं फोटो सेल, ऑप्टिकल सिस्टम, लाइट सोर्स, क्या क्या बोले डिजिटल ट्रांसड्यूसर में, फोटो सेल, ऑप्टिकल सिस्टम, लाइट सोर्स, ये सारे डिजिटल ट्रांसड्यूसर होते हैं। लास्ट जो टॉपिक है जिसमें हम लोग को बताना है ट्रांसड्यूसर और इनवर्स ट्रांसड्यूसर क्या होता है। एक क्लास ट्रांसड्यूसर का मतलब हो गया नॉन फिजिकल, नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है, मतलब आपका नॉन इलेक्ट्रिकल का मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्रेशर हो, फोर्स हो, ठीक है, टेम्परेचर हो, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो,
ठीक है, एक्सेलेशन हो, ह्यूमिडिटी हो, कुछ भी कर, कोई भी चीज को सिवाय वोल्टेज करंट को छोड़ के, अगर उसके अलावा कोई भी एनर्जी ये रहा, एनी एनर्जी, एनी एक्सेप्ट क्या, इलेक्ट्रिकल नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होना चाहिए, मतलब वोल्टेज करंट नहीं होना, उससे कोई भी एनर्जी कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो रहा है या कोई भी एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या नॉन फिजिकल भी हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे ज्यादातर इलेक्ट्रिकल ही होता है ट्रांसड्यूसर में। तो कभी भी ऐसा ऐसे बोला जाता है कि एनी टू एनी अगर कन्वर्जन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपली ट्रांसड्यूसर, मतलब कोई भी कन्वर्जन को ट्रांसड्यूसर ही बोलते हैं। मगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल नहीं लेना है, इनपुट इलेक्ट्रिकल को छोड़ के कोई भी हो सकता है, आउटपुट कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसड्यूसर। और इन्वर्स ट्रांसड्यूसर उसको बोलते हैं जिसका इनपुट है वो इलेक्ट्रिकल होना चाहिए मस्ट, और आउटपुट एनी हो सकता है, कोई भी, फिजिकल, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, केमिकल, कुछ भी। तो क्या बताना चाह रहे हैं, ट्रांसड्यूसर तो सेम वही डिफिनेशन है, कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। इन्वर्स ट्रांसड्यूसर क्या है, इज दैट ट्रांसड्यूसर इन विच इनपुट मस्ट बी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो एग्जाम्पल इस ट्रांसड्यूसर में तो सब हम लोग सारे ट्रांसड्यूसर के एग्जाम्पल हो गए, इन्वर्स ट्रांसड्यूसर में लिख सकते हैं, तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं पीजो इलेक्ट्रिक जो होता है हमारा इन्वर्स ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो होते हैं हमारे इन्वर्स ट्रांसड्यूसर होते हैं, क्योंकि उसमें हॉल इफेक्ट का कहानी होता है, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकल देते हैं, उसके कारण हमारा मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग का क्या हुआ, फिर हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो आप लोग नाम सुने होंगे लाउड स्पीकर, वो जो माइक होता है, लाउड स्पीकर जो होता है, मतलब चुंगा उंगा जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा क्या है स्पीकर जो है, स्पीकर में हम लोग का क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी गया, वो क्या क्या साउंड एनर्जी कन्वर्ट किया, तो वो हमारा बोल सकते हैं इन्वर्स ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर था। ओके क्लास, थैंक यू।